हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज के इस टॉप 10 काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंग्लिश डब्ड वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है 2021 में, और ये सभी वेब सीरीज फिलहाल अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी डब्ड वेब सीरीज है आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। नंबर 10, सरपेंट। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली एक ऐसे क्रिमिनल के लाइफ को दिखाती है जो कि मर्डर तो करता है लेकिन पीछे किसी भी तरह की सुराग नहीं छोड़ता है। इवन वो लास्ट तक किस तरह पकड़ा जाता है और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या रहती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 9, द इनोसेंट। वेब सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज को रिलीज तो की गई थी 2020 में लेकिन इसे हिंदी में डब्ड की गई है 2021 में। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक ऐसे इंसान को लाइफ को दिखाती है जो कि गलती से एक क्रिमिनल केस में फंस जाता है और लास्ट तक वो अपने आप को इस क्रिमिनल केस से कैसे बाहर निकालता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 8, लुपिन। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। ये वेब सीरीज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि थीप एक्टिविटी के ऊपर वेब सीरीज या वेब मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है लुपिन नाम के एक चोर से जो कि अपने काम को करने में बहुत ज्यादा माहिर है और लास्ट तक वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है या फिर नहीं जाता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 7, टोल हंटर्स, टेल्स ऑफ आर्कडिया। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एडवेंचर एंड एनिमेशन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ टीनेज लड़कों से जो कि गलती से एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और मिस्टीरियस वर्ल्ड पहुंचने के बाद उनका सामना कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर से होता है और लास्ट तक वो सभी टीनेजर्स उस मिस्टीरियस वर्ल्ड से कैसे बाहर निकालते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की सीजन 3 रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। नंबर 6, स्काई रोजो। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ लड़कियों से जो कि एक्चुअल में बार डांसर है लेकिन अचानक से ही बार डांसर के मालिक से उनके कुछ पंगे हो जाते हैं और बार डांसर उनका जानी दुश्मन बन जाता है और लास्ट तक वो सभी लड़कियां अपनी जान उसके मालिक से कैसे बचाती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 5, बिहाइंड हर आईज। वेब सीरीज बेस्ड है साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली दो लड़कियों की मिस्टीरियस लाइफ को दिखाने की कोशिश करेगी। दो लड़कियां जिनके पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई हैं और ये सारी मिस्टीरियस चीजें असल में क्या है, ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। वेब सीरीज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि मिस्टीरियस और थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4, ट्राइब्स ऑफ यूरोपा। वेब सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ट्राइबल एरिया से जहां पर अचानक से ही कुछ लोग हमला कर देते हैं और उन सभी ट्राइबल ग्रुप्स को मार देते हैं लेकिन उन्हीं में से एक लड़की सर्वाइव कर जाती है और लास्ट तक वो लड़की अपना रिवेंज कैसे लेती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों को रिवील करने की कोशिश की जाएगी जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इसे रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। दोस्तों, इस वेब सीरीज को फिलहाल अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं की गई है। नंबर 3, द इरेगुलर्स। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसे बच्चों को दिखाती है जो कि खतरनाक और मिस्टीरियस चीजों को सॉल्व करते हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के केसों को वो सॉल्व करते हैं और वो ये काम कैसे करते हैं, ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। जिन्हें भी स्पाई एक्टिविटी के ऊपर या फिर डिटेक्टिव एक्टिविटी के ऊपर वेब सीरीज या वेब मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए ये वेब सीरीज मास्टरपीस है। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8।
नंबर टू शेडो एंड बोन वेब सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक शेडो से और उस शेडो को कुछ लोग किसी भी तरह से पार करना चाहते हैं। वेब सीरीज में देखने लायक यह है दोस्तों कि इस शेडो के पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई हैं और असल में ये मिस्टीरियस चीजें असल में क्या है ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि फैंटेसी और एडवेंचर वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में 7.9। और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे जुपिटर्स लीग। दोस्तों ये वेब सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों आपने सुपर हीरो एक्टिविटी के ऊपर तो बहुत सारी वेब सीरीज या वेब मूवी देखी होंगी लेकिन ये वेब सीरीज आपको थोड़ी हटकर लगने वाली है। इस वेब सीरीज में हल्की फुल्की सुपर एक्टिविटी के साथ साथ फैमिली मेलो ड्रामा भी ऐड किया गया है जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में आपको हल्की फुल्की एवेंजर मूवी की याद दिला सकती है लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये वेब सीरीज भी आपको बेस्ट लगने वाली है। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।